हेलो एवरीवन, आपको तो पता ही होगा कि कोरोना की वजह से एक बार फिर से लॉकडाउन जैसे हालात हो गए हैं। ऐसे में आपको अपनी सेफ्टी का ख्याल और भी जिम्मेदार बनकर रखना होगा, लेकिन आपके खबरों से अपडेट रहने की जिम्मेदारी लाइव हिंदुस्तान पर छोड़ दीजिए। वहीं बी टाउन की हलचल से आपको फुल अपडेट रखने के लिए मैं उत्कर्षा एक बार फिर हाजिर हूँ बॉलीवुड राउंडअप में आज की टॉप 5 स्टोरीज लेकर। अभिनेता करण वाही अपने एक लेटेस्ट पोस्ट की वजह से जबरदस्त चर्चा में आ गए हैं। करण वाही को सोशल मीडिया पर कुछ यूजर्स गालियां देते दिखाई दे रहे हैं, तो कुछ ने उन्हें जान से मारने की धमकी भी दे डाली है। ऐसे में करण वाही ने भी इन धमकी देने वाले लोगों को करारा जवाब दिया है। दरअसल करण वाही ने हाल ही में अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में पोस्ट शेयर किया। ये पोस्ट था कुंभ और नागा साधुओं से जुड़ा हुआ। करण ने अपने पोस्ट में लिखा था, नागा बाबाओं के लिए कोई वर्क फ्रॉम होम कल्चर नहीं है, जैसे गंगा का पानी घर में ले आए और फिर उसी से ही स्नान कर ले। करण की ये बात कई लोगों को पसंद नहीं आई और उन्हें जमकर ट्रोल करने लगे। वहीं करण ने भी धमकी भरे मैसेजेस इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर किए और उन्हें जवाब भी दिया। बॉलीवुड एक्ट्रेस शर्मिला टैगोर इन दिनों महामारी के कारण पटौदी पैलेस में ही समय बिता रही हैं। वहीं इस बीच उनका एक इंटरव्यू जबरदस्त चर्चा में आ गया है। ये इंटरव्यू उन्होंने लेडी स्टडीज ग्रुप के साथ किया है, जिसमें उन्होंने अपनी निजी जिंदगी से जुड़ी कई बातें शेयर की हैं। इस इंटरव्यू के दौरान शर्मिला ने बताया कि सिर्फ अनुष्का शर्मा ही नहीं बल्कि उन्हें भी पति की खराब परफॉर्मेंस के लिए दोषी ठहराया जा चुका है। उन्होंने बताया कि शायद टाइगर ने कोई कैच ड्रॉप कर दिया था या ऐसा ही कुछ हुआ था, और मेरे पिता मुझ पर चिल्लाए कि तुम्हें उसे रात भर जगा कर नहीं रखना चाहिए। उस वक्त शर्मिला सबसे पॉपुलर बॉलीवुड एक्ट्रेसेस में गिनी जाती थी, तो वहीं टाइगर क्रिकेट की दुनिया के स्टार थे। बॉलीवुड अभिनेता इरफान खान के जाने का गम आज तक कोई नहीं भुला सका है। उनकी पत्नी सुतापा सिकदार तो सोशल मीडिया के जरिए इरफान से जुड़ी यादें अक्सर साझा करती दिखाई दे जाती हैं। वहीं हाल ही में उन्होंने अपने बेटे बाबिल को लेकर एक बेहद इमोशनल पोस्ट किया है, जिसमें इरफान की यादों में आंसू बहाते बाबिल की एक तस्वीर है। इस फोटो के साथ सुतापा ने बेटे को लेकर एक भावुक कर देने वाली कविता लिखी है, जिसमें बताया है कि किस तरह बाबिल खुलकर अपने जज्बात जाहिर करते हैं। इस कविता में सुतापा ने रोना नहीं छुपाने के लिए बेटे को कड़क लड़का बताया है। बॉलीवुड ब्यूटी जैकलिन फर्नांडिस अपने लेटेस्ट पोस्ट की वजह से जबरदस्त सुर्खियों में आ गई हैं। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक फोटो शेयर की है। इस फोटो में वो अपने शोल्डर पर बने दिल शेप के एक मार्क को फ्लॉन्ट करती दिखाई दे रही हैं। उन्होंने मिरर सेल्फी में ये मार्क दिखाया तो फैंस हैरान रह गए कि आखिर ये है क्या। तो हम आपको बता दें कि ये कोई टैटू नहीं है बल्कि कपिंग थेरेपी का एक मार्क है। ये एक ऐसी तकनीक है जो स्किन को हेल्दी रखने के लिए की जाती है। जैकलिन ने ये मार्क दिखाते हुए ये बता दिया है कि उन्हें ये इतना पसंद आया है कि अब इसकी आदत हो गई है। बॉलीवुड राउंडअप की आखिरी खबर में हम एक और करण के बारे में बात करने वाले हैं। एक्टर करण वाही क्यों चर्चा में है ये तो हम पहले ही बता चुके हैं। वहीं अब हम बात करेंगे ये है मोहब्बतें फेम टीवी के पॉपुलर अभिनेता करण पटेल के बारे में। सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहने वाले करण पटेल देश और दुनिया से जुड़े मामलों पर भी अपनी राय खुलकर जाहिर करते हैं। वहीं हाल ही में उनका एक वीडियो जबरदस्त चर्चा में आ गया है। इस वीडियो में उन्होंने नेताओं पर तीखा तंज कसा है और इसके साथ ही उन्होंने देशवासियों को मूर्ख न बनने की सलाह भी दे डाली है। एक अरसा हो गया किसी नेता के मुंह से हिंदू मुसलमान ये शब्द सुने। अरे भाई ये कोरोना क्या आया, आप लोग अपना धंधा ही भूल गए। आज का बॉलीवुड राउंडअप यहीं तक। लेटेस्ट अपडेट के लिए जुड़े रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ।